नमस्कार, शुश्रुत संहिता निदान स्थान की आज शुरुआत कर रहे हैं। शुश्रुत संहिता निदान स्थान में 16 अध्याय है, है ना। और सबसे पहला अध्याय है वात व्याधि निदान, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर वात व्याधि निदान आज शुरू करते हैं। देखिए वात व्याधि निदान, सबसे पहले कोटेशन नंबर 5, 6, 7 और 8 वायु के पर्यायों का वर्णन किया है, है ना। वायु के पर्याय क्या क्या है, कोटेशन नंबर 5 में देखिए, स्वयंभू भगवान वायु आदित्य शब्दित, यानी वायु को स्वयंभू कहा गया है, वायु स्वतंत्र है, वायु का पर्याय भगवान माना है, है ना। नित्य भी वायु का पर्याय है, ठीक है। फिर आगे लिखा सर्वेशाम सर्वात्मा, है ना। तीसरी लाइन में देखिए सर्वात्मा वायु का पर्याय है। सर्वलोकम अनुस्कृत, यानी सभी लोकों में रहने वाला, सर्वलोकम अनुस्कृत वायु को माना है। फिर इसके बाद लिखा अव्यक्तो व्यक्त कर्म, यानी स्वयं अव्यक्त होता है लेकिन व्यक्त कर्म करने वाला होता है, है ना। अव्यक्तो व्यक्त कर्म वायु को माना है। रुक्ष शीत लघु खर, रुक्ष शीत लघु और खर ये वायु के कर्म है। फिर इसके बाद लिखा त्रियगो द्विगुणश्चैव, है ना। द्विगुणश्चैव यानी दो गुण होते हैं वायु के, है ना। द्विगुणश्चैव, अब ये क्या है दो गुण, शब्द और स्पर्श, है ना। फिर इसके बाद लिखा रजो बहुलो एव च, यानी रज की अधिकता वाला है, रजो बहुलो। व्यक्त कर्मा अव्यक्त, यानी स्वयं अव्यक्त होता है लेकिन व्यक्त कर्म करने वाला है। अचिंत्य शक्ति, है ना, वायु के लिए कहा है अचिंत्य शक्ति। फिर इसके बाद लिखा मुहुश्चारी, यानी बार बार संचरण करने वाला मुहुश्चारी। पक्वाधान गुदालय, लास्ट में लिखा है पक्वाधान गुदालय, यानी सुश्रुत के अनुसार बात का स्थान क्या हो गया, पक्वाधान यानी पक्वाशय और बुद्ध प्रदेश में रहने वाला है, है ना। सूत्र स्थान में हमने पढ़ा था सुश्रुत के अनुसार बात के मुख्य स्थान क्या क्या है, श्रोणी और गुद, है ना। और यहाँ पे लिख दिया पक्वाधान और गुदालय, यानी पक्वाशय और बुद्ध प्रदेश में रहने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अप्रकोपित वायु के कर्म, यानी वायु सामान्य अवस्था में रहता हुआ शरीर में कौन कौन से कर्म करता है, है ना। तो ये है अप्रकोपित वायु के कर्म, है ना। अप्रकोपित वायु के कर्म कौन कौन से हैं देखिए, कोटेशन नंबर 10, है ना। दोष धातु अग्नि समताम, यानी अप्रकोपित अवस्था में रहता हुआ दोष धातु और अग्नि को सम रखता है, है ना। तो पहला कर्म हो गया दोष धातु अग्नि समताम। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखा है संप्राप्ति विशेषु च, है ना। संप्राप्ति विशेषु यानी विषयों को, विषयों की संप्राप्ति करवाता है, मतलब जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको संप्राप्ति कराता है, उनको संप्राप्त करवाता है, तो संप्राप्ति विशेषु च। फिर इसके बाद अगला कर्म लिखा क्रियाणाम अनुलोम्यम च, यानी सभी क्रियाओं का अनुलोमन करता है। च करोत्य अकुपितो अनिल, है ना। तो अकुपित अवस्था में वायु के ये सभी कर्म हैं। सबसे पहला लिख दिया दोष धातु और अग्नि, इनको सम करता है, संप्राप्ति विशेषु च, क्रियाणाम अनुलोम्यम यानी सभी क्रियाओं का अनुलोमन करता है, ये अकुपित वायु के कर्म हैं सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आइए वायु के भेदों का वर्णन किया है, है ना। तो चरक ने वायु के भेदों का वर्णन कहाँ किया था, वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में, है ना। वात व्याधि चिकित्सा यानी चरक चिकित्सा स्थान का 28वां चैप्टर था। सुश्रुत ने वात के भेदों का वर्णन किया है यहाँ पर वात व्याधि निदान अध्याय में, है ना। और वात के भेद कौन कौन से बताए, तो कोटेशन नंबर 12 देखिए, प्राण उदान समान व्यान एव च, प्राण उदान समान व्यान अपान एव च, स्थान स्था मारुता पंच याप्यंती शरीरिणाम, है ना। ये अपने स्थान पर रहते हुए शरीर का यापन करती है। तो पांच प्रकार की वायु हो गई, प्राण उदान व्यान समान और अपान, ठीक है। प्राण उदान व्यान समान और अपान, अब प्रत्येक वायु के स्थान और उसके कर्मों का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक वायु के स्थान और उसके कर्मों का वर्णन किया है, और इसमें सबसे पहला वर्णन है प्राणवायु का, है ना। देखिए कोटेशन नंबर 13, प्राणवायु के लिए लिखा वक्त्र संचारी, यानी मुख में संचरण करने वाली वायु कौन सी है, प्राणवायु, है ना। तो प्राणवायु के लिए लिख दिया वक्त्र संचारी, मुख में संचरण करने वाली वायु है प्राणवायु, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है प्राणो नाम देह ध्रक है, यानी देह को धारण करने वाली है, है ना। देह को धारण करने वाली वायु कौन सी, प्राणवायु। फिर इसके बाद लिखा सो अन्नम प्रवेशत्य अंतः, यानी अन्न का अंदर की तरफ प्रवेश करवाने वाली वायु है प्राणवायु, प्राणवायु अन्न का अंदर की तरफ प्रवेश कराती है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है प्राणश्च अवलंबते, यानी प्राणों का अवलंबन करती है,
प्राणश्च अवलंबते, यानी प्राणों का अवलंबन करती है। फिर इसके बाद इसके कर्म लिखे हैं, सॉरी इसकी दृष्टि से उत्पन्न विकार लिखे हैं, प्रायस है कुरुते दुष्टो हिक्का श्वास आदिकान गदान, यानी दूषित होने पर हिक्का श्वास आदि रोगों की उत्पत्ति करती है ना। तो प्राणवायु की दृष्टि से हिक्का श्वास आदि रोग उत्पन्न होते हैं, प्राणों का अवलंबन करती है, अन्न को अंदर प्रवेश कराने का काम करती है। स्थान सुश्रुत के अनुसार कौन सा बता दिया, वक्त्र संचारी, यानी मुख में संचरण करने वाली वायु कौन सी, प्राणवायु। ठीक है, चरक ने प्राणवायु का स्थान क्या बताया था, स्थानम प्राण है शीर्षोर है मूर्धोर है कंठ जिह्वास्य नासिका। ठीक है, और चरक के अनुसार कर्म क्या थे, स्टीवनम छवथु उद्गार है श्वास आहारादि कर्म च, स्टीवन छवथु उद्गार श्वास आहारादि कर्म च। बागभट्ट के अनुसार उरह और कंठ प्रदेश में विचरण करने वाली वायु प्राणवायु है, और शारंगधर के अनुसार प्राणवायु का स्थान माना है हृदय, है ना। शारंगधर ने प्राणवायु का स्थान क्या माना, हृदय प्रदेश या नाभि प्रदेश। ठीक है, इसके बाद दूसरी वायु है उदान वायु। तो उदान वायु के लिए सुश्रुत ने लिखा है कोटेशन नंबर 14, उदानम नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति, यानी जो ऊपर की तरफ गति करती है उसको उदान वायु कहते हैं, है ना। उदानम नाम यस्य ऊर्ध्वम उपैति, यानी जो ऊपर की तरफ गति करती है उसको उदान वायु कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा पवनोत्तम, यानी उदान वायु पवनों में उत्तम है, यानी सभी प्रकार की वायु में उदान वायु उत्तम है। फिर इसके बाद लिखा भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तते, यानी इसका जो विशेष रूप से कर्म है वो क्या क्या है, भाषित गीत आदि, है ना, यानी भाषण गायन आदि उदान वायु के कर्म है। फिर इसके बाद इसके लिए लिखा है उदान वायु की दृष्टि से ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की उत्पत्ति होती है, है ना। तो तीसरी लाइन में लिख दिया ऊर्ध्व जत्रुगतान रोगान कुरुते विशेषतः, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की उत्पत्ति करती है उदान वायु, है ना। उदान वायु की दृष्टि से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये तो हो गया सुश्रुत के अनुसार। इसके अलावा चरक के अनुसार इसके स्थान लिखे हैं, बागभट्ट के अनुसार और शारंगधर के अनुसार, वो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है व्यान वायु, है ना। व्यान वायु के लिए सुश्रुत ने क्या लिखा है, देखिए कोटेशन नंबर 16 कोटेशन नंबर है 17 और 18। व्यान वायु के लिए लिखा कृतस्थ देहेचरो वायु, यानी संपूर्ण देह में संचरण करती है व्यान वायु, रस संवहनोत्तत, यानी रस का संवहन करती है। तो व्यान वायु का कर्म सुश्रुत के अनुसार क्या हो गया, रस का संवहन करना, रस का संपूर्ण शरीर में संवहन कौन सी वायु करती है, व्यान वायु। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है स्वेद अश्रक श्रवणश्चापि, है ना, स्वेद रक्त इनका श्रवण करती है, स्वेद और रक्त का श्रवण करने वाली वायु कौन सी है, व्यान वायु। पंचधा चेष्टस्त्यापि, यानी पांच प्रकार की चेष्टाएं करती है, तो पांच प्रकार की चेष्टाएं कौन कौन सी, है ना, उत्क्षेपण अवक्षेपण प्रसारण आकुंचन और गमन, है ना, ये पांच प्रकार की चेष्टाएं हैं। तो शरीर में पांच प्रकार की चेष्टाएं करवाने वाली वायु कौन सी है, व्यान वायु, है ना, सुश्रुत के अनुसार। इसके बाद लिखा क्रुद्धश्च कुरुते रोगान, यानी व्यान वायु की दृष्टि से कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है, प्रायशः सर्वदेहगान, यानी प्रायः संपूर्ण शरीर के रोगों की उत्पत्ति होती है व्यान वायु की दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए विमर्श में लिखा है बागभट्ट के अनुसार व्यान वायु का स्थान। अब सुश्रुत ने तो क्या कहा, व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर है, चरक के अनुसार भी व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर है, लेकिन बागभट्ट ने क्या कहा है, व्यानो हृदय स्थित है, यानी व्यान वायु हृदय में स्थित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, व्यान वायु का स्थान बागभट्ट के अनुसार क्या है, हृदय। ठीक है, शारंगधर के अनुसार भी क्या है, संपूर्ण शरीर। ठीक है, व्यान वायु का स्थान बागभट्ट के अनुसार हृदय है, शारंगधर के अनुसार क्या है, संपूर्ण शरीर है। इसके बाद नेक्स्ट आइए अपान वायु, है ना। तो अपान वायु के लिए लिखा है पक्वाधान आलयो अपान है, यानी पक्वाशय में स्थित वायु है अपान वायु, पक्वाधान आलयो अपान है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा समीर्ण है शक्रन मूत्र गर्भ आर्तव, है ना, यानी मूत्र पुरीष शुक्र आर्तव और गर्भ की प्रवृत्ति करवाने वाली वायु कौन सी, अपान वायु। अपान वायु मूत्र पुरीष शुक्र गर्भ और आर्तव की प्रवृत्ति कराती है। ठीक है, स्थान इसका क्या हो गया, पक्वाधान। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा क्रुद्धश्च कुरुते रोगान घोरान बस्ती गुद आश्रयान, यानी अपान वायु की दृष्टि से बस्ती और गुद प्रदेश के रोगों की उत्पत्ति होती है, है ना। तो बस्ती और गुद प्रदेश के रोग की उत्पत्ति होना अपान वायु की दृष्टि के फलस्वरूप होता है। ठीक है,
तो कौन कौन सी वायु अपन पढ़ चुके, प्राणवायु, फिर इसके बाद उदान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, और अंतिम बचा समान वायु। तो समान वायु पे आ जाइए, कोटेशन नंबर 16। समान वायु का स्थान सुश्रुत ने लिखा है आम पक्वाशयश्चरय, यानी आमाशय और पक्वाशय में विचरण करने वाली वायु है समान वायु। आम पक्वाशयश्चरय, आमाशय और पक्वाशय में विचरण करने वाली वायु कौन सी है, समान वायु। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा सो अन्नम पचति, यह अन्न का पाचन करती है, तस्य विशेषण विनक्ति ही, है ना, अन्न का पाचन करती है समान वायु। ठीक है, फिर आगे लिखा दोष धातुओं का पृथक्करण करने वाली वायु है ना, दोष धातुओं का पृथक्करण करने वाली वायु कौन सी, समान वायु। फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है समान वायु की दृष्टि से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, गुल्म, मंदाग्नि और अतिसार की उत्पत्ति होती है ना, तो गुल्म, मंदाग्नि और अतिसार की उत्पत्ति समान वायु की दृष्टि से होती है ना, गुल्म, मंदाग्नि और अतिसार की उत्पत्ति किससे होती है, समान वायु की दृष्टि से, है ना, तो समान वायु की दृष्टि से गुल्म, मंदाग्नि और अतिसार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की वायु हो गई सुश्रुत के अनुसार, उनके स्थान हो गए, सामान्य अवस्था में उनके कर्म हो गए, और इनकी दृष्टि से कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए, नीचे लिखा भी है प्राणवायु की दृष्टि से इक्का श्वास की उत्पत्ति होती है, उदान वायु की दृष्टि से ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों की उत्पत्ति, व्यान वायु की दृष्टि से, व्यान वायु की दृष्टि से सर्वदेहगत रोगों की उत्पत्ति होती है, ये उल्टा लिख दिया है ना, व्यान वायु की दृष्टि से सर्वदेहगत रोग, समान वायु की दृष्टि से गुल्म, मंदाग्नि और अतिसार की उत्पत्ति होती है, और अपान वायु की दृष्टि से बस्ती और बुद रोगों की उत्पत्ति होती है, है ना, अपान वायु की दृष्टि से बस्ती और बुद प्रदेश के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद मिश्र वायु के लक्षण लिखे हैं, नेक्स्ट कोटेशन में मिश्र वायु के लक्षण लिखे हैं, कोटेशन नंबर 20 आ जाइए, कोटेशन नंबर 20 में लिखा शुक्र दोष प्रमेहस्तु व्यान अपान प्रकोपजा, है ना, यानी शुक्र दोष और प्रमेह की उत्पत्ति किससे होती है, व्यान और अपान वायु की दृष्टि से, व्यान अपान प्रकोपजा, शुक्र और प्रमेह रोग की उत्पत्ति, है ना, तो शुक्र और प्रमेह रोग की उत्पत्ति व्यान और अपान वायु की दृष्टि से होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वायु आमाशय क्रुद्धे, यदि वायु आमाशय प्रदेश में क्रुद्ध हो जाए तो कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति करती है, क्रुद्धात छर्दी आदीन क्रुते गदान, यानी छर्दी आदि रोगों की उत्पत्ति करती है, तो छर्दी हो गया सबसे पहला, यदि वायु आमाशय प्रदेश में प्रकोपित है तो छर्दी, इसके बाद लिखा मोह, मूर्छा, पिपासा, हृदय ग्रह और पार्श्ववेदना, छर्दी, मोह, मूर्छा, पिपासा, हृदय ग्रह और पार्श्ववेदना, इन सभी की उत्पत्ति करती है आमाशय में स्थित वायु, है ना, यदि वायु आमाशय में स्थित है तो छर्दी, मोह, मूर्छा, पिपासा, हृदय ग्रह और पार्श्ववेदना की उत्पत्ति करती है। ठीक है, दूसरा है पक्वाशय में स्थित वायु, पक्वाशय में स्थित वायु का कर्म क्या है, सबसे पहला आंत्रकुंजन, है ना, सबसे पहले लिखा आंत्रकुंजन, शूलम नाभव, यानी नाभि प्रदेश में शूल की उत्पत्ति होना, फिर उसके बाद लिखा है कृच्छ मूत्र पुरीषत्वम आनाह, यानी मूत्र कृच्छ और कृच्छ पुरीषता, है ना, कृच्छ मूत्र पुरीषत्वम आनाह और त्रिक वेदना, है ना, इम्पोर्टेंट है त्रिक वेदना कौन से स्थानगत वायु का लक्षण है, पक्वाशयगत वायु का लक्षण है। ठीक है, और आमाशयगत वायु का लक्षण क्या हो गया, हृदय ग्रह, पार्श्ववेदना, मूर्छा, पिपासा, छर्दी की उत्पत्ति होना। ठीक है, याद रखिए इसको। इसके बाद है धातु आश्रित वात के लक्षण, कोटेशन नंबर 25 से लेकर 30 तक धातु आश्रित वात के लक्षणों का वर्णन किया है सुश्रुत ने, है ना, तो धातु आश्रित वात के लक्षण क्या क्या होंगे, सबसे पहले त्वकगत वात, यानी त्वचा आश्रित वात का लक्षण, त्वकगत वात का लक्षण है त्वक भेद परिपोटनम, है ना, त्वचा में भेदन जैसी पीड़ा होना और परिपोटन, त्वक भेद और परिपोटन, ये त्वकगत वात का लक्षण है या त्वचा आश्रित वात का लक्षण है, त्वक भेदन और परिपोटन। इसके बाद दूसरा है रक्तगत, तो रक्तगत वात का लक्षण क्या हो गया, व्रणश्च रक्तगा, यानी व्रण की उत्पत्ति होना, यदि रक्त में वात स्थित है तो लक्षण क्या होगा, व्रणश्च यानी व्रण की उत्पत्ति होना। इसके बाद तीसरा है मांसगत वात, तो मांसगत वात का लक्षण क्या है, शूल युक्त ग्रंथि की उत्पत्ति होना, ग्रंथीन से शूलान मांस आश्रित, है ना, तो शूलयुक्त ग्रंथि की उत्पत्ति होना मांस आश्रित वात का लक्षण है। ठीक है, शूलयुक्त ग्रंथि की उत्पत्ति होना मांस आश्रित वात का लक्षण है। फिर इसके बाद देखिए मेद आश्रित,
तो मेद आश्रित वात का लक्षण क्या है, ग्रंथि मंदरुजा, है ना, ग्रंथि मंदरुजा, यानी मंदरुजा से युक्त ग्रंथि की उत्पत्ति होना एव्रणान, ग्रंथि मंदरुजा एव्रणान। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है सिरागत, तो सिरागत वात का लक्षण क्या है, सिरा कुंचन, सिरा आकुंचन और पूरण, सिराओं में आकुंचन उत्पन्न होना और सिरा पूरण, ये सिरागत वात का लक्षण है। स्नायुगत वात का लक्षण क्या है, स्तंभ कंप शूल आक्षेपण, स्तंभ कंप शूल और आक्षेपण, ये स्नायुगत वात का लक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट है मज्जागत, कोटेशन नंबर 29 की पहली लाइन में लिखा मज्जागत वात का लक्षण, रुकम न कदाचित प्रशम्यति, यानी ऐसी रुजा उत्पन्न होती है जो कभी शांत नहीं होती, है ना, तो रुकम न कदाचित प्रशम्यति, ठीक है। इसके बाद अगला है शुक्रगत वात, तो शुक्रगत वात का लक्षण है अप्रवृत्ति और अति प्रवृत्ति, या तो शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होती या फिर शुक्र की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है ना, तो ये शुक्रगत वात का लक्षण हो गया, है ना। तो ये अलग अलग धातुओं के अनुसार वात के लक्षण हो गए, कौन कौन सी धातु में स्थित होकर वात के क्या क्या लक्षण होंगे, सबसे पहला त्वकगत, त्वक भेद और परिपोटन, रक्तगत वात तो व्रण की उत्पत्ति, मांसगत वात है तो शूलयुक्त और ग्रंथि की उत्पत्ति, यानी शूल और ग्रंथि उत्पन्न होगी, मेदगत वात में क्या होगा, ग्रंथि मंदरुजा एव्रणा, यानी मंदरुजा वाली ग्रंथि की उत्पत्ति होगी एव्रण। फिर इसके बाद सिरागत वात का लक्षण है सिरा कुंचन और पूरण, स्नायुगत वात का लक्षण है स्तंभ कंप शूल और आक्षेपण, मज्जागत वात का लक्षण है रुकम न कदाचित प्रशम्यति, और शुक्रगत वात का लक्षण है अप्रवृत्ति और अति प्रवृत्ति, यानी शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होना और अत्यधिक प्रवृत्ति होना, ठीक है, तो ये शुक्रगत वात का लक्षण हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला वर्णन यहाँ पर है रोगों का, है ना, यहाँ तक तो अपन पढ़ चुके वात का स्थान के अनुसार लक्षण, वात के सामान्य लक्षण, अप्रकुपित अवस्था में कर्म, यदि अलग अलग वायु कुपित हो जाती है तो उनके क्या क्या रोगों की उत्पत्ति होगी, ये अपन सामान्य वर्णन पढ़ चुके। अब इसके बाद इस चैप्टर में जो अगला वर्णन है वो रोगों का वर्णन है, और रोगों में सबसे पहला वर्णन किया है सुश्रुत ने वात रक्त का, है ना, तो ये याद रखें सुश्रुत ने वात रक्त का वर्णन वात व्याधि निदान अध्याय में ही किया है, चरक ने इसके पृथक अध्याय के रूप में वर्णन किया, वात रक्त चिकित्सा अध्याय या वात शोणित चिकित्सा अध्याय 29वां चैप्टर, सुश्रुत ने वात व्याधि निदान में ही वात रक्त का वर्णन किया है, है ना। देखिए कोटेशन नंबर 40, सबसे पहले वात रक्त के कारण क्या क्या है, या वात रक्त के उत्पत्ति के कारण क्या है या निदान क्या है, लिखा है पर्याय में लिखा खुद्वात, वात बलास, आड्यवात, वात रक्त, वात शोणित, आड्य रोग, है ना। अब इसके बाद देखिए वात रक्त के कारण, प्रायशः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहाराणाम, यानी सुकुमार व्यक्ति के द्वारा मिथ्या आहार विहार का प्रयोग करने से, सुकुमार व्यक्ति के द्वारा मिथ्या आहार विहार का प्रयोग करने से वात रक्त की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में लिखा है शोकश्च, यानी अत्यधिक शोक की उत्पत्ति, शोक करने से शोकश्च। फिर इसके बाद लिखा प्रमदा मध्य, है ना, प्रमदा मध्य, यानी मध्य का प्रयोग करने से, ठीक है। व्यायामश्च अति पीड़नात्, व्यायाम का अधिक प्रयोग करने से अत्यधिक पीड़न से, है ना, वात रक्त की उत्पत्ति होती है, है ना। तो वात रक्त की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, प्रायशः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहाराणाम, प्रायः सुकुमार व्यक्ति के मिथ्या आहार विहार का प्रयोग करने से, शोक का अधिक प्रयोग करने से, मध्य का अधिक सेवन करने से, व्यायाम का प्रयोग करने से, अत्यधिक पीड़न से वात रक्त की उत्पत्ति होती है। फिर अगली लाइन में लिखा ऋतु सात्म्य विपर्य सात, यानी ऋतु सात्म्य, ऋतु सात्म्य के विपर्य से वात रक्त की उत्पत्ति होती है। स्नेह आदि नाम से विभ्रमात, स्नेह आदि के उपद्रव के फलस्वरूप या स्नेह के विभ्रम के फलस्वरूप वात रक्त की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद लिखा अव्यवाये तथा स्थूले वात रक्ते प्रकुप्यति, अव्यवाय, है ना, अव्यवाय यानी व्यवाय नहीं करने से, है ना। और ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा अव्यवाय यानी व्यवाय नहीं करने से, है ना। और ऊपर क्या लिखा था, प्रमदा मध्य व्यायामश्च अतिपीड़नात्, प्रमदा, प्रमदा का मतलब होता है व्यवाय करने से, तो एक तो व्यवाय करना या अति व्यवाय करना और व्यवाय नहीं करना, है ना, इन दोनों से वात रक्त की उत्पत्ति होती है, है ना। तो अति व्यवाय और अव्यवाय से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, वात रक्त है, अति व्यवाय
और अव्यवाय से उत्पन्न होने वाला रोग वात रक्त है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए वात रक्त के पूर्व रूप। नेक्स्ट देखिए वात रक्त के पूर्व रूप, कोटेशन नंबर 47 है ना। सुश्रुत के अनुसार वात रक्त के पूर्व रूप क्या क्या है, निदान हमने पढ़ लिया। निदान में क्या क्या पढ़ा, सुकुमार व्यक्ति के मिथ्याहार विहार का सेवन करने के कारण, शोक का प्रयोग करने के कारण, अतिव्यवाय के कारण, व्यायाम का प्रयोग करने के कारण, मद्य का सेवन करने के कारण, अत्यधिक पीड़न के कारण, है ना। लास्ट में लिखा अव्यवाय के कारण, तो अतिव्यवाय और अव्यवाय दोनों से वात रक्त उत्पन्न होता है। इसके बाद वात रक्त के पूर्व रूप लिखे हैं, प्रागरूपे शिथिले शून्यो शीतलो सह विपरीयो, यानी प्रागरूपे शिथिले शून्यो, यानी जो हाथ पैर हैं उसके शिथिल हो जाते हैं, शून्य यानी स्वेदयुक्त हो जाते हैं, शीतलो यानी स्पर्श में शीतल हो जाते हैं या कभी कभी उष्ण हो जाते हैं। शीतलो सह विपरीयो, स्पर्श में शीतल या कभी कभी इसके विपरीत उष्ण हो जाते हैं। वैवर्ण्य तोद, है ना, वैवर्ण्य यानी विवर्णता की उत्पत्ति, फिर इसके बाद तोद यानी सुई चुभाने के समान पीड़ा, सुप्तता, फिर इसके बाद लिखा है गुरुत्वम, गुरुता की उत्पत्ति, ओष समन्विता तथा ओष की उत्पत्ति या चोष, चोष का मतलब होता है दाहा, है ना, तो दाहा की उत्पत्ति होना, ये सभी वात रक्त के पूर्व रूप हैं। प्रागरूपे शिथिले स्विन्नो शीतलो सविपरियो, यानी अंगों का शिथिल हो जाना, स्वेद से युक्त होना, शीतल हो जाना, इसका विपरीत हो जाना। वैवर्ण्य तोद सुप्ति, है ना, वैवर्ण्य हो जाना, तोद और सुप्ति की उत्पत्ति, गुरुगात्रता, ये सभी वात रक्त के पूर्व रूप हैं। और लास्ट में लिखा ओष यानी दाहा की उत्पत्ति होना, है ना, ये सभी क्या है, वात रक्त के पूर्व रूप हैं। फिर इसके बाद लिखा पादियोर मूलम आस्थाय कदाचित हस्तियोर अपि, वात रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है, पादियोर मूलम आस्थाय यानी पैर के मूल से उत्पन्न होता है, कदाचित हस्तियोर अपि कभी कभी हाथों पर भी उत्पन्न होता है, हाथों से उत्पन्न होता है, है ना। फिर आगे लिखा आखोर विषम क्रुद्धम, यानी चूहे के विष के समान क्रुद्ध होकर फैलता है ना, तो चूहे के विष के समान फैलने वाला रोग कौन सा है, वात रक्त। ठीक है, तद देहम अनुसर्पति, संपूर्ण शरीर में फैल जाता है चूहे के विष के समान, तो आखोर विषम क्रुद्धम किस रोग के लिए आया है, वात रक्त के लिए, है ना, तो चूहे के विष के समान फैलने वाला रोग है वात रक्त। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कोटेशन नंबर 49 में लिखा आजानु स्फुटितम, है ना, कोटेशन नंबर 49 में लिखा आजानु स्फुटितम, यानी जानु पर्यंत स्फुटन हो, वात रक्त के जिस रोगी में जानु पर्यंत स्फुटन हो। फिर आगे लिखा यच्च प्रभिन्नम प्रसुतम च यत, यच्च प्रभिन्नम प्रसुतम च यत, अर्थात जिसमें त्वक और मांस विदीर्ण हो जाए यानी फट जाते हैं। फिर इसके बाद लिखा उपद्रविश्च यज्जुष्टम, यानी जो वात रक्त उपद्रवों से युक्त हो, प्राण मांस क्षय आदि भी, जिसमें प्राण मांस आदि का क्षय हो गया हो, शोणितम तद असाध्यम, ऐसा वात रक्त असाध्य होता है, है ना। स्यात् याप्यम संवत्सरोत्थितम, और एक वर्ष पुराना वात रक्त याप्य होता है ना। तो इस कोटेशन में एक तो वात रक्त के असाध्य लक्षण बताए हैं, वात रक्त के असाध्य लक्षण क्या क्या होते हैं, एक तो सबसे पहला लक्षण बताया आ जानू पर्यंतम स्फुटन, यानी जानू पर्यंत यानी घुटने तक जिस व्यक्ति में स्फुटन हो जाए यानी उसकी त्वचा फटने लगे तो वात रक्त असाध्य होगा, है ना। त्वक मांस आदि विदीर्ण हो जाए, उसमें से रस रक्त और लसिका का श्रवण होने लगे या पूय का श्रवण होने लगे, है ना, तथा उस व्यक्ति का मांस और प्राण क्षय हो गया हो, तो ऐसा वात रक्त का रोगी असाध्य होता है। ठीक है, और एक वर्ष पुराना वात रक्त याप्य होता है, लिखा है याप्य संवत्सरोत्थितम, एक वर्ष पुराना वात रक्त कैसा होता है, याप्य, है ना, याद रखना है एक वर्ष पुराना वात रक्त याप्य होता है, है ना। तो ये पूरा वर्णन वात रक्त से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला जो वर्णन किया है अगले रोग का वो है आक्षेपक, है ना, अगला रोग जो बताया सुश्रुत ने, अगले रोग का वर्णन किया है आक्षेपक, है ना। तो आक्षेपक के लिए सुश्रुत ने क्या कहा, देखिए यदा तु दमनी सर्वा कुपितो अभ्येति मारुतः, कोटेशन नंबर 51 में नंबर का श्लोक है, यदा तु धमनी यानी आक्षेपक में दोष कहाँ स्थित होता है, धमनी प्रदेश में। ठीक है, कुपितो अभ्येति मारुतः यानी वात धमनी प्रदेश में कुपित होकर, तद आक्षेपित्य आशु मुहुर मुहुर देह मुहुश्चर, है ना, तो व्यक्ति आक्षेपित हो जाता है यानी आक्षेपक रोग में दोष कहाँ पर स्थित होते हैं, धमनी प्रदेश में, है ना, दोषों की स्थिति क्या हो गई, धमनी प्रदेश में, यानी कुपित वायु
धमनी प्रदेश में आश्रित होकर बार बार आक्षेप उत्पन्न करता है, इसे आक्षेपक रोग कहते हैं। वायु कुपित होकर धमनी प्रदेश में आश्रित होकर बार बार आक्षेप उत्पन्न करता है, इसे आक्षेपक रोग कहते हैं। वायु प्रकुपित होकर धमनी प्रदेश में आश्रित होता है और धमनी प्रदेश में आश्रित होकर बार बार आक्षेप उत्पन्न करता है, इस रोग को आक्षेपक कहा जाता है। आक्षेपक रोग जो है वो चार प्रकार का होता है, है ना। चार प्रकार का आक्षेपक रोग है, वातज, वातकफज, वातपित्तज और आघातज, है ना। वातज, वातकफज, वातपित्तज और आघातज, चार प्रकार का आक्षेपक होता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा मुहूर्त मुहूर्त आक्षेपक है, आक्षेप यानी बार बार आक्षेप, यानी आक्षेपक रोग में क्या होता है, कन्वल्जन्स आते हैं, है ना। तो बार बार कन्वल्जन्स आते हैं इसलिए इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। आक्षेप उत्पन्न होना यानी कन्वल्जन उत्पन्न होना। दोष कहाँ पर स्थित है, धमनी प्रदेश में, ठीक है। चार प्रकार का होता है आक्षेपक, इसका वर्णन किया है देखो कोटेशन नंबर 58 में, 58 नंबर का श्लोक, इसमें लिखा है कफ पित्तान्वितो वायुर वायु रेवच केवल है, है ना। तो पहला तो हो गया केवल वातज, दूसरा हो गया वात कफज, तीसरा हो गया वात पित्तज और चौथा लिखा है चतुर्थम अभिघातजम, चौथा अभिघातज। यानी आक्षेपक के भेद कितने होते हैं, चार भेद होते हैं, वातज, वात कफज, वात पित्तज और अभिघातज, ठीक है। इसके बाद अगला रोग है अपतानक, है ना। नेक्स्ट रोग है कौन सा, अपतानक। अपतानक का वर्णन किया है कोटेशन नंबर 52 और 53 में। अपतानक, अपतानक के लिए लिखा सो अपतानक संज्ञो ये पातत्य अंतरा अंतरा, है ना। अपतानक किसको कहेंगे, यानी वायु प्रकुपित होकर व्यक्ति को बार बार गिरा देती है, है ना। दोष कौन सा है, वात दोष। पातत्य अंतरा अंतरा लिखा है, पातत्य अंतरा अंतरा यानी व्यक्ति को बार 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 गिरा देती है, तो उस रोग को क्या कहेंगे, अपतानक। इंपॉर्टेंट है ये लक्षण आप याद कर लें, पातत्य अंतरा अंतरा यानी वायु प्रकुपित होकर व्यक्ति को बार बार गिराती है, इस रोग को क्या कहते हैं, अपतानक, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा कफान्वितो भ्रंशम वायुस्तस्य यदि तिष्ठति, यदि यह वायु कफ के साथ तिष्ठति यानी कफ के साथ स्थित होती है, सह दंडवत स्तंभ्यति कृच्छो दंडापतनक है, है ना। तो वो दंड के समान व्यक्ति को स्तंभित कर देती है और कौन से रोग को उत्पन्न करती है, दंडापतनक, है ना। तो दंडापतनक में दोष क्या हो गया, वात कफ, है ना। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा अपतानक, अपतानक में वात दोष है, लक्षण क्या हो गया, पातत्य अंतरा अंतरा यानी व्यक्ति बार बार चलता है और गिर जाता है। दूसरा रोग है दंडापतनक, वायु कफ के साथ मिलकर दंडापतनक की उत्पत्ति करती है और दंडापतनक में व्यक्ति कैसा हो जाता है, दंडवत स्तंभ्यति यानी डंडे के समान स्तंभित हो जाता है, दंडवत स्तंभ्यति, है ना। और यह रोग कैसा है, कृच्छ साध्य है, है ना। दंडापतनक को सुश्रुत ने क्या माना है, कृच्छ साध्य, है ना। दंडापतनक रोग कृच्छ साध्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हनुग्रह, नेक्स्ट है हनुग्रह। हनुग्रह के लिए लिखा है देखिए हनुग्रह तथा अत्यर्थम सो अन्नम कृच्छान निषेव्यते, हनुग्रह में भी दोष क्या है, वात दोष है और लक्षण क्या होगा, अन्नम कृच्छान निषेव्यते यानी अन्न को कृच्छता पूर्वक ग्रहण करता है। हनुग्रह यानी किसके लिए आया, हनु स्तंभ के लिए, दोष क्या है, वात दोष और लक्षण क्या होगा, अन्न कृच्छान निषेव्यते यानी अन्न को कृच्छता पूर्वक ग्रहण कर पाता है, तो ये कौन सा रोग है, हनुग्रह। इसके बाद नेक्स्ट आइए अगला रोग है धनु स्तंभ, है ना। धनु स्तंभ में दोष क्या है, वात दोष है और व्यक्ति कैसा हो जाता है, धनुष तुल्यम नमेद्यस्तु यानी व्यक्ति धनुष के समान झुक जाता है, है ना। व्यक्ति धनुष के समान झुक जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं, धनु स्तंभ, है ना। दोष क्या है, केवल वात दोष है। इसके बाद अगला है अंतरायाम, इसी कोटेशन में नेक्स्ट वर्णन किया है अंतरायाम का, यानी वायु प्रकोपित होकर अंगुली, गुल्फ, उदर, हृदय, वक्ष प्रदेश तथा गल में स्थित होकर, है ना, वक्ष प्रदेश तथा गले में स्थित होकर सिरा स्नायु के प्रतान को आक्षेपित करके रोगी को भीतर की तरफ झुका देती है, इसे अंतरायाम कहते हैं, है ना। तो अंतरायाम क्या हो गया, वात कुपित होकर अंगुली, गुल्फ, उदर, हृदय, वक्ष तथा गले में स्थित होकर, अंगुली, गुल्फ, हृदय, वक्ष तथा गले में स्थित होकर सिरा स्नायु के प्रतान को आक्षेपित करके रोगी को भीतर की तरफ झुका देती है, है ना। रोगी को भीतर की तरफ झुका देती है, इस रोग को क्या कहते हैं, अंतरायाम, ठीक है। रोगी का भीतर की तरफ झुक जाना अंतरायाम कहलाता है
और बाहर की तरफ झुक जाना बहिरायाम कहलाता है। तो अगला रोग है बहिरायाम, इसमें भी वात दोष है, शरीर बाहर की तरफ झुक जाता है, इसलिए इसको बहिरायाम कहते हैं, है ना। तो दोनों में ही वात दोष है, अंदर की तरफ झुकना अंतरायाम, बाहर की तरफ झुकना बहिरायाम। बहिरायाम को का असाध्य लक्षण बताया है सुश्रुत ने, लास्ट लास्ट लाइन देखिए, तम असाध्यम बुधा प्राहुर वक्ष कटी उरु भंजन, यानी वक्ष प्रदेश, कटी प्रदेश तथा उरु, इनका भंजन हो जाना, इनका भग्न हो जाना बहिरायाम का असाध्य लक्षण है, है ना। तो बहिरायाम का असाध्य लक्षण क्या हो गया, वक्ष कटी उरु भंजन, है ना, वक्ष कटी उरु भंजन, ये बहिरायाम का असाध्य लक्षण है, याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से रोग अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने वातरक्त पढ़ा, उसके बाद अपतानक पढ़ा, दंडापतानक पढ़ा, हनुग्रह यानी हनुस्तंभ पढ़ा, धनुस्तंभ पढ़ा, फिर इसके बाद अंतरायाम बहिरायाम, ठीक है, अंतरायाम और बहिरायाम। बहिरायाम का असाध्य लक्षण क्या है, वक्ष कटी उरु भंजन, है ना, वक्ष कटी और उरु का भंजन होना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप पक्षाघात पर, कोटेशन नंबर है 60 से लेकर 63 तक, 60 से 63 तक, है ना, पक्षाघात का वर्णन है। पक्षाघात के लिए लिखा है, कोटेशन नंबर 62 की पहली लाइन पढ़ता हूँ, यस्य कृतस्थम शरीरम अर्धम अकर्मण्यम अचेतनम, यानी शरीर के अर्ध भाग का अकर्मण्य यानी कर्म से रहित हो जाना और चेतनता से रहित हो जाना, यत कृतस्थम शरीर अर्धम अकर्मण्यम अचेतनम, यानी शरीर के अर्ध भाग का कर्म से रहित और चेतना से रहित हो जाना क्या कहलाता है, पक्षाघात, है ना, यानी शरीर के अर्ध भाग का कर्म और चेतना से रहित हो जाना पक्षाघात कहलाता है, ठीक है। पक्षाघात जो है वो तीन प्रकार का होता है, देखिए नेक्स्ट लाइन में, ततः पतत्य असनम वापी जहात्य अनिल पीड़ता है, शुद्ध वात हतम पक्षम, यानी एक तो होता है शुद्ध वातज, पक्षाघात तीन प्रकार का होता है, पहला कौन सा, शुद्ध वातज, तो शुद्ध वातज कैसा होता है, कृच्छ साध्य, ठीक है, साध्यम अन्येन संसृष्टम, अन्य दोषों के साथ संसृष्ट है तो वो साध्य होता है, यदि पक्षाघात में वात के साथ कफ या पित्त दोष का संसर्ग होगा तो वो साध्य होता है, केवल वातज है तो कृच्छ साध्य होता है, और तीसरा है असाध्य, क्षय हेतुकम यानी रस रक्त आदि धातुओं का क्षय हो जाए तो पक्षाघात असाध्य होता है, है ना। तो कुल मिलाकर पक्षाघात तीन प्रकार का हो गया, साध्य, कृच्छ साध्य और असाध्य, यदि वात के साथ किसी अन्य दोष का संसर्ग है पित्त या कफ का तो साध्य होगा, केवल वातज है तो कृच्छ साध्य होगा, और यदि रस रक्तादि धातुओं का क्षय हो जाता है पक्षाघात के रोगी में तो ऐसा रोग असाध्य होता है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्णन है अपतंत्रक का, नेक्स्ट देखिए अपतंत्रक, कोटेशन नंबर 64, 65 और 66 अपतंत्रक का वर्णन किया है, है ना, कोटेशन नंबर 64 में लिखा, वायुर ऊर्ध्वरजेत स्थानात कुपितो हृदय सिरह कुपितो हृदय सिरह, यानी वायु ऊर्ध्व की तरफ गमन करके हृदय और सिरह प्रदेश में कुपित होकर संकोच पीड़यत्य संख प्रदेश को पीड़ित करती हुई, अंगान्य आक्षेपण अंगों में आक्षेप उत्पन्न करती है, निमिलित अक्षो निश्चेष्ट व्यक्ति कैसा हो जाता है, निमिलित अक्षो आँखें उसकी निमिलित हो जाती है यानी बंद हो जाती है, निश्चेष्ट है यानी चेष्टा से रहित हो जाता है, स्तब्ध अक्षो वापी कूजती, है ना, स्तब्ध अक्षो आँखें उसकी स्तब्ध हो जाती हैं, स्तब्ध अक्षो वापी कूजती, है ना। तो ये पूरी लाइन याद रखें, निमिलित अक्षो निश्चेष्ट स्तब्ध अक्षो वा अपि कूजती, कौन से रोग का लक्षण है, अपतंत्रक का, है ना। अपतंत्रक में दोष क्या होता है, वात कफ, है ना, वात कफ के साथ मिलकर हृदय सिर और शंख प्रदेश में आश्रित होता है, लक्षण क्या है, निमिलित अक्षो निश्चेष्ट स्तब्ध अक्षो वा अपि कूजती, ठीक है। फिर इसके बाद अगली लाइन में लिखा, निरुद्ध उच्छ्वासो, यानी व्यक्ति के उच्छ्वास का अवरोध हो जाता है, है ना, उच्छ्वास का अवरोध हो जाता है। फिर इसके बाद अगली लाइन में लिखा है, स्वस्थस्य स्याद हृदय मुक्ते आप्रते तु प्रमुह्यति, यानी जैसे वेग चला गया वैसे व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन जैसे वेग की उत्पत्ति होती है तो मोहित महसूस करता है, है ना, यानी मूर्छित महसूस करता है। तो स्वस्थस्य स्याद हृदय मुक्ते आप्रते तु प्रमुह्यति, है ना, आप्रत होने पर मोहित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है, कफान्वितेन वातेन गेयम एषो अपतंत्रक, किस दोष के कारण उत्पन्न होता है, कफान्वितेन वातेन,
यानी वात और कफ दोष के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इस रोग को। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं अपतानक, है ना। तो अपतानक में तो दोष क्या है, केवल वातज है। दंडापतानक में क्या था, वात कफस था। अपतंत्रक में भी वात कफ दोष है ना। सबसे पहले तो दोष याद कर लिया अपन ने, वात कफ दोष होता है ना। अपतंत्रक में दोष क्या होता है, हृदय प्रदेश, सिरह प्रदेश या शंख प्रदेश में आश्रित होते हैं। लक्षण क्या क्या है, निमिलित अक्षो निश्चेष्ट है, स्तब्ध अक्षोवापी कूजती, यानी कूजन करता है, व्यक्ति करहाता है ना। और लास्ट अगली लाइन में लिखा, स्वस्थस्य स्याद हृदय मुक्ते आवृद्धो तु प्रमुह्यति, यानी वेग चले जाने पर स्वस्थ महसूस करता है और जैसे वेग आता है तो मोहित महसूस करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला रोग है मन्या स्तंभ, है ना। अगला रोग कौन सा है, मन्या स्तंभ, है ना। मन्या स्तंभ में भी दोष क्या है, वात कफ। मन्या स्तंभ में दोष क्या है, वात कफ। ठीक है, निदान क्या क्या लिखे, दिवा स्वप्न यानी दिन में शयन करने से। फिर इसके बाद आसन स्थान विकृति, आसन और स्थान की विकृति के कारण। ऊर्ध्व निरीक्षणे यानी सदैव ऊपर की तरफ देखने के कारण मन्या स्तंभ उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लिखा है, मन्या स्तंभ प्रकृते सह एव श्लेष्मण आवृत है, यानी वात कफ के कारण उत्पन्न होता है ना। तो मन्या स्तंभ के लिए क्या याद करना है, दोष वात कफ है, दिवा स्वप्न स्थान और शयन की विकृति के कारण तथा ऊर्ध्व निरीक्षण करने के कारण मन्या स्तंभ उत्पन्न होता है। और मन्या स्तंभ की तुलना किससे करते हैं, टोर्टिकोलिस, है ना। नीचे वक्तव्य में लिखा है टोर्टिकोलिस, मन्या स्तंभ की तुलना टोर्टिकोलिस से की जाती है। इसके बाद अगला रोग है अर्दित, है ना। तो अर्दित के लिए क्या लिखा, गर्भिणी सूतिका बालक वृद्ध क्षीणेश्व अस्रक छये, यानी गर्भिणी स्त्री के, बालक के, वृद्ध के या क्षीण व्यक्ति के रक्त का क्षय हो जाने से, यानी रक्त का क्षय हो जाने से उत्पन्न होने वाली वात व्याधि कौन सी है, अर्दित, है ना। अर्दित के लिए लिखा, गर्भिणी बालक वृद्ध सूतिका या क्षीण व्यक्ति में रक्त का क्षय होने से उत्पन्न होने वाला वात रोग कौन सा है, अर्दित रोग है। अर्दित की तुलना किससे करते हैं, फेशियल पैरालिसिस से, या इसको क्या कहते हैं, सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है, फेशियल नर्व। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है अर्दित, या फेशियल पैरालिसिस है। ठीक है, निदान मुख्य रूप से क्या हो गया, गर्भिणी स्त्री, सूतिका स्त्री, बालक, वृद्ध, दुर्बल, क्षीण व्यक्ति में रक्त धातु का क्षय हो जाने से अर्दित की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लक्षण लिखा है ना। लक्षण क्या याद रखना है आपको, वक्री भवती वक्त्रार्ध, वक्री भवती वक्त्रार्ध ग्रीवाच अप्य प्रवर्तते, है ना। यानी उसके मुख का आधा भाग वक्त्र अर्ध, यानी मुख का आधा भाग वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इसको अर्दित कहते हैं। ग्रीवाच अप्य प्रवर्तते यानी ग्रीवा भी उसकी टेढ़ी हो जाती है, तो इस रोग को अर्दित कहते हैं। फिर इसके बाद इसका और दूसरा लक्षण लिखा, वाक संगी यानी वाणी का अवरोध हो जाता है। ग्रीवा चिबुक दंतानाम अस्मिन पार्श्वेतु वेदना, ग्रीवा चिबुक दंत तथा इनके पार्श्व में वेदना की उत्पत्ति होती है, है ना। ग्रीवा चिबुक दंत तथा उसके पार्श्व में वेदना की उत्पत्ति होती है, ये सभी अर्दित के लक्षण हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद करिए, वाग्भट ने अर्दित को एक आयाम की संज्ञा दी है ना। किस आचार्य ने अर्दित को एक आयाम कहा है, तो वाग्भट ने अर्दित को एक आयाम की संज्ञा दी है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी कोटेशन की लास्ट ही लास्ट लाइन देख लीजिए, कोटेशन नंबर 73, है ना। तो 73 में लिखा है, न सिद्ध्यति अर्दितम गाढ़म त्रिवर्ष वेपनस्य च, यानी तीन वर्ष पुराना अर्दित सिद्ध नहीं होता, यानी तीन वर्ष पुराना अर्दित तथा कंपन से युक्त अर्दित असाध्य होता है। जैसे सुश्रुत ने कहा था, एक वर्ष पुराना वातरक्त याप्य होता है, उसी प्रकार ये याद रखना है, तीन वर्ष पुराना अर्दित असाध्य होता है, है ना। तो सुश्रुत के अनुसार तीन वर्ष पुराना अर्दित असाध्य होता है ना। सुश्रुत के अनुसार तीन वर्ष पुराना अर्दित कैसा है, असाध्य है। ठीक है, इसके बाद अगला वर्णन है गृधर्षि का। तो गृधर्षि के लिए कहा है, पार्षणी प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा या अनिल अर्दिता, यानी वायु की स्थिति क्या है, पार्षणी, पार्षणी का मतलब एडी, है ना। पार्षणी प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा, पार्षणी और अंगुली के बीच की कंडराओं में वायु स्थित होकर, है ना, कंडरा बाहु पृष्ठतः, नहीं नहीं, पार्षणी प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा
ग्राह्य अनिलर्द्धता यानी पार्श्वनी और अंगुली के बीच की कंडराओं में वायु स्थित होकर सक्थनक क्षेपे निग्रह्यात् गर्दसी इति स स्मृता है ना। सक्थनक क्षेपे यानी जो शक्ति है उसको आक्षेपित कर देती है यानी उसको जकड़ देती है ना। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? गर्दसी रोग कहा जाता है ना। तो गर्दसी में दोष कहाँ पर स्थित होते हैं है ना, यही क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। गर्दसी में दोष कहाँ पर स्थित होता है? सुश्रुत के अनुसार पार्श्वनी प्रत्यय अंगुली नाम तु कंडरा है ना, पार्श्वनी प्रत्यय अंगुली नाम तु कंडरा यानी पार्श्वनी और अंगुली के बीच के कंडराओं में, ठीक है। इसके बाद अगला रोग है विश्वाची। जैसे पैर की कंडरा में दोष स्थित है तो गर्दसी हो रहा है, उसी प्रकार जब हाथ में होगा तो विश्वाची होगा। तो इसके लिए क्या कहा? तलम प्रत्यंगुली नाम तु कंडरा है ना, तल यानी हथेली के तल, तलवे और अंगुली, इसकी कंडरा में जब वात दोष स्थित हो जाता है तो विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। लक्षण क्या है इसका? भाइयो कर्म क्षय करी यानी बाहु के कर्म का क्षय कर देता है। कौन सा रोग है? विश्वाची, ठीक है। बाहु कर्म क्षय करी यानी बाहु के कर्म का क्षय कर देता है, इस रोग को विश्वाची कहते हैं ना। बाहु के कर्म का क्षय कर देने वाला रोग कौन सा है? विश्वाची है ना। विश्वाची ही तैसा स्मृता यानी बाहु के कर्म का क्षय कर देने वाला रोग विश्वाची कहलाता है। इसके बाद अगला है क्रोष्टुक शीर्ष। अगला है क्रोष्टुक शीर्ष। क्रोष्टुक किसको बोलते हैं? सियार को, श्रगाल को है ना। तो सियार को क्रोष्टुक बोलते हैं, उसके शीर्ष के समान है ना। तो इस रोग को क्या नाम दिया? क्रोष्टुक शीर्ष। देखिए कोटेशन नंबर 76 76वें नंबर का श्लोक है। लिखा है श्लोक में, वात शोणितज है सोफो यानी वात और रक्त के कारण शोक उत्पन्न होता है, जानु मध्य महारुजय यानी वात और कफ, वात और रक्त के कारण जानु के मध्य में महारुजा वाला शोक उत्पन्न होता है, इसको क्रोष्टुक शीर्ष कहा जाता है ना। जानु के मध्य में वात और रक्त के कारण महान रुजा वाला शोक उत्पन्न होता है, इसको क्या कहा जाता है? क्रोष्टुक शीर्ष, ठीक है। सिर है क्रोष्टुक पूर्वो, ये शोथ कैसा है? क्रोष्टुक यानी सियार के शीर्ष के समान, सियार के सिर के समान शोथ उत्पन्न होता है, इस रोग को क्रोष्टुक शीर्ष कहते हैं। दोष क्या हो गया? वात और रक्त है ना, वात और रक्त दोष स्थित है इसमें। इसके बाद अगला है खंज। खंज में क्या लिखा है? वात कटी प्रदेश में स्थित होकर है ना, वात कटी प्रदेश में स्थित होकर शक्ति की कंडरा को आक्षेपित करके व्यक्ति को एक टांग से लंगड़ा कर देती है, इसे खंज कहते हैं। और यदि व्यक्ति दोनों टांगों से लंगड़ा हो जाए तो उसको पंगु कहते हैं है ना। तो खंज और पंगु में दोष कहाँ पर स्थित है? वायु कट्याम स्थित है ना, याद रखना है। खंज और पंगु में वात दोष कहाँ पर स्थित होता है? कटी प्रदेश में है ना। खंज और पंगु में वायु कटी प्रदेश में स्थित होता है ना। खंज और पंगु में वात कटी प्रदेश में स्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कलायखंज। कलायखंज के लिए लिखा है, प्रकामन वेपते यस्तु खंजनिवचे गच्छति, अर्थात वात प्रक्रामन होने के कारण वेपते यस्तु खंजनिवचे गच्छति है ना, यानी वात के कारण व्यक्ति खंज के समान चलता है ना। और लास्ट में इसका लक्षण लिखा, मुक्त संधि प्रबंधनम यानी उसके जो संधि बंधन है वो ढीले पड़ जाते हैं है ना। तो इस रोग को क्या कहेंगे? कलायखंज है ना। तो कलायखंज के लिए क्या लिखा है? वात दोष है। लक्षण क्या होता है? मुक्त संधि प्रबंधनम यानी उसके जितने भी संधि बंधन हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। मुक्त संधि प्रबंधनम, व्यक्ति के संधि बंधन का ढीला पड़ जाना कलायखंज कहलाता है ना। कलायखंज को ये क्या कहते हैं? लेथिरिज्म है ना। कलायखंज की तुलना की है लेथिरिज्म से, और ये खेसरी की दाल का सेवन करने के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। नीचे वक्तव्य में लिखा भी है, खेसरी की दाल का सेवन करने से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? कलायखंज है ना, याद रखना है। खेसरी की दाल का सेवन करने से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? कलायखंज। इसी की तुलना किससे करते हैं? लेथिरिज्म से, ठीक है। लक्षण इसका क्या बताया? संस्कृत की टर्म आप याद रखें, मुक्त संधि प्रबंधनम, ठीक है, कलायखंज में। अच्छा, खंज में दोष कहाँ पर स्थित होता है? कटी प्रदेश में, याद रखना है। खंज और पंगु, एक टांग से लंगड़ा तो खंज, दोनों टांगों से लंगड़ा तो पंगु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वात कंटक है ना। वात कंटक में दोष क्या होता है? वात दोष है। कहाँ पर आश्रित होता है? खुड़क आश्रित है ना, खुड़क यानी एड़ी में आश्रित होता है, खुड़क आश्रित, याद रखना है। वात कंटक में दोष कहाँ पर स्थित है? खुड़क आश्रित,
ठीक है, वात कंटक में दोष होता है खुड़क आश्रित। इसके बाद नेक्स्ट है पाददाह, है ना, पाददाह में दोष कौन सा है, पित्त रक्त और वात दोष, है ना, याद रखना है पाददाह में दोष कौन सा है, पित्त रक्त और वात दोष, है ना, केवल दोष याद रखें, पित्त रक्त और वात दोष के कारण पाददाह उत्पन्न होता है। इसके बाद पादहर्ष, है ना, पादहर्ष में दोष कहाँ पे स्थित होता है, या कौन सा दोष है पादहर्ष में, वात कफ, पादहर्षस्य से विज्ञेय कफ वात प्रकोपजय, है ना, पाद में दोष स्थित होता है और दोष कौन सा है, वात कफ, है ना, तो पादहर्ष की उत्पत्ति होती है वात कफ दोष के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है अवबाहुक, है ना, अवबाहुक में दोष कहाँ स्थित होता है, अंश देश स्थितो वायु, अंश प्रदेश में स्थित होता है, है ना, अंश देश स्थितो वायु शोषित्वात् अंश बंधनम सिरा सिरा आकुंचनीयच्च तत्रस्थो जनयत्य अवबाहुकम, यानी अवबाहुक में वात दोष अंश प्रदेश में स्थित होता है, है ना, अवबाहुक में वात दोष अंश प्रदेश में स्थित होता है, ठीक है। अवबाहुक के लिए ही वाग्भट ने क्या कहा है, बाहु प्रस्पंदित हरम जनयत्य अवबाहुकम, यानी बाहु के स्पंदन का नष्ट हो जाना अवबाहुक कहलाता है। तो ये संस्कृत की टर्म आप याद कर लीजिए, बाहु प्रस्पंदित हरम किसके लिए आया है, अवबाहुक के लिए, किस आचार्य के अनुसार, वाग्भट के अनुसार। एक हमने पढ़ा था बाहु कर्म क्षय करी, किसके लिए आया था, विश्वाची के लिए, है ना, तो दोनों को कंपेरेटिव याद कीजिए, बाहु कर्म क्षय करी विश्वाची, बाहु प्रस्पंदित हरम अवबाहुक, ठीक है। इसके बाद अगला है बाधिर्य, बाधिर्य दो प्रकार का होता है, वातज और वात कफज, लिखा है कोटेशन नंबर 83 में लिखा, यदा शब्द वह स्रोतो वायुर आवृत्य तिष्ठति शुद्ध श्लेष्मान्वितो, या तो वायु शुद्ध रूप से रहता है या फिर कफ के साथ, तो बाधिर्य में क्या क्या हो गया, एक तो वात दोष है, दूसरा वात कफ है, तो दो प्रकार का हो जाएगा, वातज और वात कफज, ठीक है। इसके बाद अगला रोग है कर्णशूल, कर्णशूल यानी वात दोष है, केवल वात दोष के कारण कर्ण प्रदेश में शूल उत्पन्न होता है, है ना, केवल वात दोष है। फिर इसके बाद अगला है मूक मिनमिन और गदगद, मूक मिनमिन और गदगद, मूक का मतलब होता है गूंगा, मिनमिन का मतलब होता है नासिका स्वर वाला यानी पतली आवाज होती है उसकी, गदगद मतलब तुतला बोलने वाला, है ना, एक होता है मूक गूंगा, मिनमिन यानी उसकी आवाज पतली हो जाती है, और एक होता है गदगद, गदगद का मतलब तुतला बोलता है, तुतला के बोलता है, है ना, तो इनमें दोष तीनों में ही क्या है, वात कफज, है ना, तो सुश्रुत के अनुसार मूक मिनमिन गदगद में दोष हो गया, वात कफज, ठीक है। इसके बाद अगला रोग है तूनी प्रतितूनी, अगला रोग है तूनी और प्रतितूनी, तूनी प्रतितूनी में दोष क्या है, वात दोष है, है ना, दोष क्या है, वात दोष। कोटेशन नंबर 87 नंबर का श्लोक है, तूनी प्रतितूनी, है ना, दोष क्या है, वात दोष है। दोष कहाँ पर स्थित होता है, देखिए मलाशय और मूत्राशय से गुद तथा मूत्रेंद्रिय में जाकर पीड़ा उत्पन्न करती है, यानी पीड़ा सबसे पहले उत्पन्न होगी मलाशय और मूत्राशय से, वहाँ से पीड़ा प्रारंभ होकर गुदा तथा मूत्रेंद्रिय तक जाती है, तो उस रोग को तूनी कहते हैं, है ना, और इसी का जब विपरीत होगा यानी गुद तथा मूत्रेंद्रिय से पीड़ा प्रारंभ होकर पक्वाशय तक जाती है तो उसे प्रतितूनी कहते हैं, है ना, दोनों में अंतर क्या हो गया, यानी मूत्राशय और मलाशय से पीड़ा उत्पन्न होकर गुदा तथा मूत्रेंद्रिय तक जा रही है तो उसको तूनी कहते हैं, गुदा तथा मूत्रेंद्रिय से पीड़ा उत्पन्न होकर पक्वाशय तक जा रही है तो उसको प्रतितूनी कहते हैं। दोष क्या है, वात दोष। इसके बाद अगला है आद्यमान, आद्यमान में लिखा है वात दोष, है ना, अपान वायु का अवरोध हो जाने के कारण आटोप सहित अत्यंत फूले हुए उदर को, यानी उदर का फूल जाना आद्यमान कहलाता है। दोष क्या है, वात दोष। इसके बाद अगला है प्रत्याद्यमान, प्रत्याद्यमान ये वात कफज होता है, प्रति आद्यमान वात कफज है, है ना, जब आद्यमान आमाशय से प्रारंभ हो तथा पार्श्व और हृदय प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे प्रत्याद्यमान कहते हैं, यानी आद्यमान आमाशय से प्रारंभ हो रहा है और पक्वाशय तथा पार्श्व दोनों लेटरल साइड पार्श्व और हृदय प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न करता है तो उसे प्रत्याद्यमान कहते हैं और इसमें दोष होता है वात कफ, है ना, लिखा है कोटेशन नंबर 89 में। इसके बाद आइए कोटेशन नंबर 90 और 91, अस्थिला और प्रत्यस्थिला। अस्थिला के लिए कहा है अस्थिला के समान यानी पत्थर के समान मोटी ग्रंथि जो मूत्र मार्ग का अवरोध करे उसे अस्थिला कहते हैं
और यही ग्रंथि जब उदर प्रदेश में उत्पन्न होकर मूत्र पुरीष तथा वात का अवरोध कर दे तो उसे प्रत्यस्थिला कहते हैं। ठीक है, केवल मूत्र मार्ग का अवरोध करती है अस्थिला के समान ग्रंथि तो उसे अस्थिला कहते हैं, यानी पत्थर के समान ग्रंथि है। और यही ग्रंथि जब उदर प्रदेश में स्थित होकर या उदर प्रदेश में उत्पन्न होकर मूत्र पुरीष और वात का अवरोध कर दे तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यस्थिला, है ना। तो ये दोनों रोग हो गए अस्थिला और प्रत्यस्थिला। जैसे हमने पढ़ा था ना तूनी प्रतितूनी, ऐसे ही अस्थिला और प्रत्यस्थिला है। केवल मूत्र का अवरोध करे तो उसे अस्थिला कहेंगे, मूत्र पुरीष और वात का अवरोध कर देती है तो उसे प्रत्यस्थिला कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ, निदान स्थान का पहला अध्याय है ना। चैप्टर का नाम क्या है, वात व्याधि निदान, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसको अच्छे से पढ़ना है, हर एक रोग में कौन सा दोष होता है, केवल वात है, वात कफ के साथ है, वात रक्त के साथ है, है ना। तो दोष याद करना है, दोष कहाँ पर कुपित हो रहा है वो याद रखना है और उसका लक्षण याद रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ वात व्याधि निदान। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अर्श निदान, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।